अस्सलामुअलैकुम जी, मैं फुरकानता रंधावा हाजिर हाँ एक नवे वीलाग के नाल। अज का वीलाग बहुत ही मज़ेदार क्योंकि ये मौजूद है इस टाइम तौबर से जो कश्मीर का एंड वाला गाँव है, तो बहुत ही खूबसूरत गाँव है। तो मैं तुहानू हाना जगह जिथे अज आके असी होटल खरीदे है। तौबर गाँव से एंटर होने तो पहले एक एक किलोमीटर पीछे एक आंदा है छोटा जहा पॉइंट, उन्होंने कहते हैं तौबर टू। ए वो जगह सारी है सामने, तो लाइटिंग देख सकते हो कि खूबसूरत नज़ारा है जी। तो इतने साडा एरिया जो सैड से असं रह रहे हैं, एक मज़ा है वे कि हर होटल अगे लॉन वगैरह बने ने, ठीक है काशा उगे है तो बड़ा सोहना। उतो इन्होंने जो लाइटिंग की रात टाइम से नज़ारा एंड लैवल द ही आ रहा है। फैमिलीज बैठी हैं, चिल कर रही हैं, खाना खाना खा रही ने। तो किराया भी बड़ा मुनासिब जहा इत सैड का, कुछ ज़्यादा नहीं है, चार चार हज़ार पाँच पाँच हज़ार रुपये मैक्सीम किराया रूम का। तो इधर सामने बिल्कुल इतने दरिया है, मैं तुम दरिया का नज़ारा ही बखाना। तो वीडियो में यार स्किप ना करो, बड़े मज़ेदार व्लॉग है, अगर जाके तुम बड़े मज़े मज़े दीज़ा देखने को मिलनगी। ये तो मेरे चैनल रंधावा साहब के व्लॉग में यार लाजमी सबसक्राइब करो। इन्हें चबूतरा बनाया तो भी बैग तुम खाना खा सकते हो, थले भी चेयर वगैरह लगी हैं, टेबल लगे ने, लाइटिंग करके बड़ा उन्हें कोजी जहा माहौल बनाया गया। बिल्कुल मैं आ गया दरिया से, ठीक है। इस टाइम तो खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सुबह टाइम भी तुम दिखावे ये नज़ारे, बड़ा मज़ेदार व्यू यदा। बाकी वीडियो में स्किप नहीं करना, सारी डिटेल मैं इस वीडियो से दसागा। जी टैपिंगा भी लगी हैं सामने होटल ने, तो इतने कॉफी शॉप भी एक बनी दी है, टक शॉप भी बनी दी इतने। तो इतने जो तुम एंटर होंगे हो सैड दल, तो इतने सब तो पहले आर्मी का उन्हें एक जन जवान खड़ा किया है जो गेट तो तुम एंटर होंगे, तो आई डी कार्ड वेख के रजिस्ट्रेशन करके तुम इस सैड से एंटर हो देते हैं। तो होटल का वेखो कि सोहना लाइटिंग, मैं ना चस कराती मुबशर पुत्र। तो उस अलावा वेखो इतने इन्हें बार बनाया था बोनफायर स्पैशल एरिया बनाया था, इन्हें इतने बह के तुम बोनफायर करो, इन्हें स्टूल्स वगैरह बना के लकड़ के बनाए ने टोटल। इधर भी पींगा शिंगा लगी हैं, ठीक है। तो बड़ा सोहना, तो बड़ा मज़े का माहौल है, बंदा रात टाइम बंदा इंजॉय करना चाहे तो सारी रात बंदा तुम बह के इतने चिल करो, इंजॉय करो, साउंड वगैरह लाओ, बोनफायर करो, बड़े चिल चस आएगी। इतने घा बड़ा सोहना है, ग्रीन फुल तो छोटा छोटा बड़ा लैवल आता, तो इतने बगैर जुत्ती तो फिर मैं चस ही हो रहे। तो हमें असी बोनफायर भी करा इतने, वो भी तुम खावे, शुगल भी लावे, शुगल मेला भी होगा पूरा इस ब्लॉग च। जड़ा ना उस तो पहला तुम मेरे चैनल में सबसक्राइब लाजमी करो यार, सबसक्राइबर की बहुत लोड़ है, समझाया करो। एडे सोहने तुम व्यू बहा रहे हैं, पूरे डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन तुम सबसक्राइब नहीं करते, इस गल तो फिर दुख होंगे। इन्ने बड़े पैसे ला के ही आए हैं, लेकिन तुम्हें कदर ही कौन नहीं यार। चलो फिर भी कोई गल नहीं, तो यह वेखो तुम कि सोहना माहौल फिर है कि नहीं, मान दो फिर जोगी तेरे कमाल है। तो इस होटल का ना है अल सैयद शबिस्तान गैसट हाउस, इतने आ लिखा था भी तौबर होटल सैयद शबिस्तान गैसट हाउस तौबर, इसका होटल का ना जो है। तो बड़ा मैं सब तो सोहना लाइटिंग वगैरह यदि सोहनी, सब तो व्यू भी यदा ही आ रहा सब तो अच्छा। तो इस सैड तो सामना जो है वाला साडा जरा असी लिया था अपने लिए रहन लिये, तो खाने जरा थोड़ा जहा सैपरेट लिया क्योंकि सिंगल है, तो सैपरेट जरा तुम्हें पता मुंडे शुंडे का रौला शौला भी पाना होंगे, थोड़ा जहा कंजरखाना करना होंगे, इसलिए थोड़ा जहा सैपरेट लिया क्योंकि दूसरी साइड जरा फैमिली तो मैं जरा थोड़ा सैपरेट ही चंगा। तो तुम खाना मंदिर पूरा बालकनी बनी दी है, बालकनी के अगर छोटा जहा गार्डन है, चेयर बन लगी हैं, कैंप भी लगे उ। जनाब राजा साहब भाव भी है साढ़े को, बालकनी बालकनी चेयर लगी हैं, तो मैं रूम व्यू दिखा दिना तुम्हें। जी तो है जी रूम कारपेट वेखो, डबल कारपेट चलता वा, दो एक डबल बैड जी एक सिंगल बैड जी, पूरा वेल फर्निश्ड है। तो वुडन है टोटल कारपेट, पेन कर्टन लगे ने, दो मैटर सैपरेट भी इन्हें रखे जिते। तो इस साइड से वाशरूम है, फुल कल कारपेट वाशरूम के दरवाजे तक। जी ये किराए की गल करिए तो 4000 पर नाइट का रेंट है जो हाँ पे किया इतने। जी तो कश्मीर च इस टाइम मौजूद हाँ तौबर च, तो इतों की खूबसूरती तुम यह कह सकते हो कि असी अपने रूम के अंदर खाना लगा मंगवाया कि इतने ही सू जो दे सर्व कर दौ। तो उन्हें सब तो पहला सूँ
दस्तरखान दिता है कि पहला नीचे है जाना बछा लो, उस तो बाद खाना देने तो है नाल ठंडा पानी प्लेटा गिलास आ गए ने खाना का भी तुम दिखाने जी। तो है वे जी मटर तो ना रोटियां छोटियां आ गई सारिया। इतों की एक गल होर है जी, चिकन कढ़ाई जी किलो 2200 रुपए की है तो मटन 2600 रुपए किलो है। तो असं क्या फिर 400 वध पा के मटन ही खाओ, 2200 की मुर्गी खाने बेहतर 400 वध पा के मटन खाओ, चंगी शायद खाओ। उंज भी जिन्हें बंदे मेरे नाल इन्ना उदा ही जोड़ा ना मटन खाना होंगे जिदन ये बीमार होंगे ना, या मटन बीमार होंगे बकरा बीमार इन्हें उदा नहीं खाना होंगे, या फिर ईद तो कोई इन्हों दे उंज तो इन्ना खाना खुना कोई नहीं होंगे। फिर मैं क्या अजन ये भी खवा दईए तो फिर ये चलेगा, फिर अज मटन ही चलेगा। तो यह साढ़ा दस्तरखान है जी, तुम देख सकते हो साढ़े नाल दाल माश भी ना लवाइए, ऐ दस्तरखान है। तो असं हूँ रोटी खा लीए फिर तुम्हें मिलने हैं। जी तो यार डिनर कर लिया मटन कढ़ाई का, तो असल गल असर रिव्यू दईए तो जिंदाबाद में बशर पुत्र मज़ा ही आ गया, बड़ी मज़े की उन्हें कढ़ाई बनाई सी मटन कढ़ाई लैवल से वह तिल तो करता ही हाथ चुम के वढ़ दईए, लेकिन मैं फिर सवेरे भी नाश्ता बनाना साढ़े लिए तो मैं फिर छड़ते ने, बाकी मज़ा आया। तो ठंड इतने वाहवा जे शुगर ने जो वेखो मैं अंदर कंबल के जैकट पा के बैठा जे, तो हूँ असं करा बोनफायर तो भी तुम खावे तो शार्ट तो फिर साढ़े नाल ही रहो जो। तो यार रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे कि चैनल में सबसक्राइब करो रंधावा साहब के व्लॉग में, तो वीडियो में लाइक करो कमेंट करो तो शेयर करो तो अपने यार यूर को भी कराओ, ठीक हो गया ना अब बस इन्ना ही सी। लो जी तो बोनफायर का सेटअप गया अलग तो स्टॉल लाने लगा अग, तो गाने तो सुने होना कि रंधावा वाले दे पकन परौंठे ते छड़ियां दी अग ना भले है उन्होंने बस गाने की हद तक लैना, इतने तो भांबड़ बाल के बैठे जे साड़ी लाई हुई अग तो पुजन का ना नहीं लेंदी पाए मीह पाइए तो छड़ियां दी अग ना भले। लो जी तो कम हो गया शुरू बोनफायर विद म्यूजिक विद जी भाजी काफ़ी, तो है अपने वीर सारे इतने ही बैठे ने। लो जी हूँ फिर होएगा थोड़ा जहा मनोरंजन यानी कि डांस प्रोग्राम, तो वेखो फिर लो जी फिर तुम मिलेंगे हम सुबह तो साढ़े नार रहे हो जे तो विखावे सवेरे तुम उठ के तो बड़ी खूबसूरती। जी तो शुरू करने अज्ज दे व्लॉग नूं फिर तो तुम विखाने तो बड़ी खूबसूरती।
जन्नत नज़ीर सीरीज़ है तो आश्रम ही नीलम वैली के सब तो जरा एंड वाला जरा गाँव है वह मौजूद है ताऊ गढ़ से तो यदि खूबसूरती अपनी मिसाल आप है तो आओ थानू दिखाने की खूबसूरती उतरे आ जरा थानू रात भी विखाया बिल्कुल बड़ा सोहना लग रहा है। कश्मीर आने का सब तो जरा बेस्ट मौसम है वो जुलाई है। जुलाई तो बाद फिर अगस्त बारिशा शुरू हो जाएगा लैंड स्लाइडिंग बहुत होंगी है इसलिए जुलाई बेस्ट है। होटल जो रात लाइटा चमक रहे सनते इस टाइम कि सोहना नज़ारा पेश कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जरा ना इस टाइम माहौल है। बदल फुल थले ने बड़ा पुरसकून एरिया इस टाइम सारी फैमिली सुती है तो अही बार इतना ब्लॉग बनाने सुबह सुबह उठे तो यह पुल जिन्होंने तुम क्रॉस करके रोड तो इस ओवर टू च आते हो ओवर टू तो ओवर मेन गाँव तो तकरीबन एक किलोमीटर पिछे हुए तो हूँ ही तुम लैके चलें तो ओवर मेन च तो आने फिर तुम नज़ारा लो जी। तो यह असं नैशनल रोड के खलोते हैं तो सामने है तो ओवर टू जिते रहे हैं तो बड़ा ही सोहना माहौल जहा वेखो तो बदल शदल पिछे पहाड़ ग्रीनरी दरिया सारे लैंडस्केप तुम मिलने एक जगह पर लो जी। तो इतों हों जे तौबड़ गाँव का स्टार्ट आ देख सकते हो पहला कार है बिल्कुल अगे दरिया है। दरिया बेसिकली तो दो साइडा डिवाइड हो जाता जो तौबड़ गाँव से एंटर होंगे एक साइड गाँव के पिछों की गुजर रही है तो एक दरिया की जोड़ी साइड गाँव के बैक साइड तो मुकदा दरिया उधरों गाँव मुकदा उस साइड वाल पे तो लैके जाने फिर आने पिंड देखो फिर रोड शोड तो वेख लो इंजी जे काता जो भी है ऑफ रोडिंग तुम समझो। जी ए वे इतों का एक निका जहा पार्क जिद मैं एक दो स्लाइडा ने ठीक है तो एक दो पीघा ने बस तो बस ये जो भी है इतने जो बोर्ड सामने तुम वाइल्ड नज़र आ रहा है नर्सरी का बोर्ड लगा है वाइल्ड नर्सरी है जिते जो पौधे इधर के कश्मीर के ना पैदा हो रहे हैं उन्होंने जो बचाने लिए स्पैशल नर्सरी बनाई गई है उत्थे दोबारा जोड़े ना उन्होंने प्रबंधकारी करके उन्होंने उगाया जा रहा है। तो यह देखो जी इतों जी ए बाजार कह लो ए स्टार हो रहा इतों जी तो जी तौबड़ का बाजार तीन चार टकशॉप ने बाजार होटल्स ने अपर वाल साइड से टकशॉप के उपर देख सकते हो तो ये होटल ने गाँव बिल्कुल छोटा जि ही कह लो कि 30-40 इतने हो गए 50 हो गए सारे मकान जोड़े ना तो 5-7 होटल हो गए 10 होटल हो गए इस गाँव के पुल है इतने हाँ जी। तो पुल क्रॉस करिए तो तौबड़ गाँव शुरू हो जाता है जरा पुल दूसरी साइड से ओ वाली जगह एस ज रोड से होटल्स ने यह मस्जिद है तौबड़ की मेन जामिया मस्जिद रोड सीधा जरा ना एंड तो जा रहा अगर सारे होटल्स ने होटल तो बाद अगे दरिया वे दरिया से जाता रोड हम दिखाने सारा तौबड़ फिर सकते तो ही गए गेस्ट हाउस बने ने ग्रीन हाउस ग्रीन हिल्स गेस्ट हाउस
ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਉਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਗਾਉਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬੜਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੋਟਲ ਸ਼ੋਟਲ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਐੱਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਨ ਪੰਜ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੰਜ ਸੱਤ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਿਆ, ਪੁੱਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਟਰਾਊਟ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਊਟ ਫਿਸ਼ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਟਰਾਊਟ ਫਿਸ਼ ਫੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ ਕਾਉਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੈਸ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾੜ ਲਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 5% ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪੁੱਲ 'ਤੇ। ਆ ਉਹ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਲਾਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬਨੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੋਬੜ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਬੜ ਦੀ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੋਬੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਤੋਬੜ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੀਕ ਬਾਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਬੜ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਬੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ।
मिलेंगे एक नवे ब्लॉग के नाल। उन्नी देर लई अपना बहुत सारा ख्याल रखो, तो बहुत सारा प्यार करो सानू। अल्लाह हाफिज़।